अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज एक बार फिर से ग्वादर में हूँ, लेकिन आज मैं ग्वादर के बीचेस कवर नहीं करूँगी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ग्वादर का एक डिफरेंट, मतलब एक अलग चीज़ दिखाऊँगी आपको ग्वादर की। क्या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपने ग्वादर का सफ़र शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे एक दो काम है, पहले हम मछली मार्केट जाएंगे, वहाँ से कुछ फ़िश वगैरह बाय करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी जन्नत बाज़ार और फिर मैं आप लोगों को और जगहों पे लेके जाती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं गाड़ी चला रही हूँ तो फिर इसको थोड़ा कैमरे को साइड पर करना पड़ेगा। आज जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ग्वादर, वो बेसिकली ग्वादर ये है कि आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, यहाँ पे अपने लिए जगह लेना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि इन फ्यूचर जो है ये एक बिज़नेस हब होगा और ग्वादर पोर्ट जो है वो इतना कोई ड्यूटी फ्री पोर्ट है। यहाँ अमेज़ॉन आ रहा है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस बनेंगे यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है हर चीज़ तो कराची में नहीं हो सकती। तो बताने का मकसद ये है, मैं जो इस वक्त रोड पर यहाँ उतरी हूँ, कि यहाँ पर जो है ये है बस स्टैंड। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है बस स्टैंड और यहाँ पे चलती है बसेस, वहाँ से लेके यहाँ तक। ये पीछे मेरी गाड़ी भी खड़ी हुई है, आगे एक और गाड़ी आ रही है और यहाँ पे चलती है बसेस। और बस अगर आ जाती तो मैं आप लोगों को उस पर बैठ के भी दिखाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी फ़िलहाल बस नहीं है। तो चलते हैं फिर इस हसीन जगह पे, इसको और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की और जगहों को देखते हैं। फिर आप लेफ्ट भी देख रहे हैं, ये होगा सिल्क रोड। यहाँ से चाइना पोर्ट से ही आ रहा है सारा और यहाँ पे ये सिल्क रोड जा रहा है सारा, आपको खुददार और चाइना और ये वो फलाना ढिकाना फलाना ढिकाना, मैं क्यों बोल रही हूँ। अच्छा जी, तो चले फिर। बस स्टैंड भी आपको दिखा दिए, बसेस भी चलती है, रोड्स भी आप देख रहे हैं कितनी हसीन है। और यहाँ पे अब आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप लोग प्लॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कभी एक ट्रैवल एजेंट के पास भी लेके जाऊँगी और आप लोगों को यहाँ की मार्केट का भी बताऊँगी कि यहाँ पे क्या अप एंड डाउन होता है। तो चले गाड़ी में बैठते हैं इससे पहले कि मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ पर बारिश ना हो जाए। ये जगह मैं आपको ऐसे नहीं दिखा रही, ये जो हमारे साथ चल रही है ये है सिल्क रोड, जो कि ग्वादर से चलेगी और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी। ये तो चाइनीज़ को ही पता होगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सिल्क रोड है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं ना लेफ्ट पे, बिल्कुल ये जो रोड जो डबल रोड है ये सिल्क रोड है अंडर कंस्ट्रक्शन। ग्वादर बलूचिस्तान से शुरू हुई है और ये यहाँ से होते हुए खुजदार से होते हुए फिर ये जाएगी रत्तो देरो, जगह का नाम है जो कि सिंध का इलाका है, वो वहाँ से होते हुए फिर आगे चाइना तक जाएगी और फिर आगे चाइनीज़ को पता है कि वो ये रोड कहाँ तक लेके जाते हैं। सो फिर देखते हैं फ्यूचर में, हम भी आई होप कि मैं भी इस रोड के बनने तक ज़िंदा रहूँ और मैं फिर इस रोड पे भी एक वीलॉग बनाऊँ। तो गाइस आ गई हूँ मैं मछली मार्केट और मैं यहाँ से आपको जीके वगैरह परचेज करूँगी, क्योंकि हमने जो है वो लंच बनाना है। मैंने नहीं बनाना, लंच कुक ने बनाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे दिखाने आई हूँ, एज यू गाइस नो कि मुझे मछली कितनी ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ मैं मछली देखती हूँ वहाँ मेरे मुँह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी मछली के पास से आई है। कैसे हैं आप, मछली कैसी दी है ये? 100 रुपये किलो। क्या मछली है ये? कौन सी? लिजर। लिजर ही आती है यहाँ पे, पिछली बार भी मैं आई थी समंदर पे लिजर आई हुई थी। अच्छा, और ये क्या है, झींगा नहीं है आपके पास?
अच्छा अच्छा ये क्या पापलेट है ये? नहीं पोना मछली। ये कैसी दी है? 500 रुपये किलो। अच्छा जी, तो झींगा कहाँ मिलेगा? झींगा नहीं है यहाँ पे, हम आगे चलते हैं, झींगा दिखाती हूँ आपको। तो ये भी कोई मछली है, लेकिन ये कोई और मछली है। ये देख रहे हैं आप लोग, एक्चुअली मैं मछली, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब मैं कहीं ऐसी जगह पे आती हूँ तो मैं मछली प्रेफर करती हूँ कि मछली खानी चाहिए। यहाँ की औरतें थोड़ी जो हैं वो घबराती हैं वीडियो से, वो चाहती कि हम वीडियो में ना आए, तो हम उनको लाना भी नहीं चाहते। ठीक है, तो झींगा कहाँ मिलेगा? दे दिए ऑर्डर? दे दिए। हाँ भाई, कैसा दिया ये झींगा? 500 में। बड़ा काफ़ी अच्छा झींगा ये, तो 500 में सस्ता मिल रहा है यहाँ तो। सो गाइस, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी इतनी सस्ती हैं, हर चीज़ सस्ती है यहाँ पे, रिहाइश इतनी सस्ती है, और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। ये देख लें आप लोग, मछली औरतें यहाँ की घबराती हैं वीडियो में आते हुए, लेकिन आपको माइंड तो नहीं करे मैं आपको वीडियो में ला रही हूँ। हाँ सही है जी, हो गया जी। कितना ले रहे हैं झींगा? 2 किलो? 1 किलो। चलो भाई, तो आज हम लंच में झींगा खा रहे हैं और झींगा बना रहे हैं। इस मार्केट का नाम क्या है? बिलाल मस्जिद। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, बिलाल मस्जिद मार्केट में हम आए हैं यहाँ मछली लेने। यहाँ पे मैं आपको कुछ और मछली भी दिखाती हूँ। ये देखो क्या मछली है ये? लीजर। यहाँ भी लीजर? ये कौन सी है ये बड़ी? अच्छा, ये कैसी दी है? और ये कितने किलो का होगा पूरा पीस? है 2.5 किलो। अच्छा, तो गाइज ये यहाँ की मछली मार्केट है, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा मैं मछली मार्केट में, यहाँ बदबू ही नहीं है मछली की। क्या वजह है मछली की बदबू नहीं आ रही यहाँ पे? ताज़ी है बिल्कुल फ्रेश। जब भी वरना मछली मार्केट में जाएं आपको बड़ी बदबू आती है, यहाँ बिल्कुल अच्छा ताज़ी मछली आप यहाँ से लें, यहीं से समंदर से पकड़ के आप लोगों को खिलाते हैं। सो अब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ जन्नत बाज़ार। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जन्नत बाज़ार क्यों नाम है इस बाज़ार का, तो जन्नत बाज़ार इसका नाम इस वजह से है कि एक ज़माने में यहाँ पे एक खातून थी जिन्होंने ये बाज़ार की बुनियाद रखी थी, खातून का जो नाम था जन्नत, उसके बाद फिर यहाँ पे उस बाज़ार का नाम जन्नत बाज़ार पड़ गया। तो अब सालों से सदियों से जो है वो इस जगह का नाम यही है जन्नत बाज़ार। तो मैं आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है वो जन्नत बाज़ार जिसकी मैं आप लोगों को बात कर रही थी कि इस जगह का नाम जन्नत बाज़ार क्यों है। अभी जो आप देख रहे हैं ना ये बाज़ार, इस तरह से जब ये बाज़ार शुरू हुआ था, जो जन्नत औरत थी, जो खातून जिन्होंने इस बाज़ार को शुरू किया था, इस तरह का एक स्टॉल होता था उनका छोटा सा, उस पर वो चिप्स और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ टॉयज़ वगैरह वो सेल करती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब खातून थी, उनको अपने बच्चों के लिए काम करना था। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वक्त हालात चेंज होते गए, तो इस बाज़ार ने, उस छोटे से स्टॉल ने इस बड़े से बाज़ार की शक्ल ले ली, और वो इस तरह से अब ये पूरा बाज़ार जो जन्नत बाज़ार बन गया है, जहाँ पे सारी औरतें आती हैं, शॉपिंग करती हैं, और यहाँ के ये ठीक है, ये ईरानी कारपेट है, मैट है, आप अपने बेड के सामने वगैरह रख सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आ रहा था, मैंने कहा मैं एक ले लेती हूँ। क्या प्राइस है इसकी? ये 650। तुम 500? मुझे 500 दे रहे हैं, एक निकाल दें, ये मुझे ब्राउन वाला निकाल दें। ईरानी है ये? जी हाँ, एक ही यही शेप है या डिज़ाइन में थोड़ा मुख्तलिफ? हाँ दिखाएं और दिखाएं। ये क्या, ये डिफरेंट है? ये वो लाइनों वाले कलर? हाँ ये कलर तो फिर यही सही लग रहा है मुझे। हाँ ये थोड़ा डार्क है। चले एक ही दे दें मुझे। यहाँ पे मिलते हैं बलूची ड्रेस, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत मज़े मज़े की कढ़ाइयों वाले, बड़े रंगीन कलरफुल। सो चलिए दिखाते हैं आपको और ख़ुद भी देखते हैं ये जन्नत बाज़ार कैसा लगा आप लोगों को, कितना शेडेड है ना यहाँ पे। अब देखिए धूप पे इतनी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारा
ऊपर शेड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे औरतें आती हैं, शॉपिंग करती हैं, धूप होती है, हवाएं में होती हैं। और यहाँ की औरतों को मैंने आपको बताया था, उनको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो थोड़ी ऑफेंड हो जाती है अगर वो देखती है कि हम कैमरे में आ रहे हैं। तो फिर चलिए आपको दिखाती हूँ मैं वो शॉप जहाँ पे मिलेंगे मैं वो कपड़े, और शायद मैं कुछ ले भी लूँ अगर मुझे पसंद आए तो। ये कैसे थी है ये 20,000 का? क्यों इसमें ऐसी क्या बात है, वो 3,000 का दे रहा, आप 20,000 का दे रहे हैं? ये तो हाथ के कम। अच्छा वो मशीन की है? हाँ मशीन की है यार। हाँ और ब्लैक में दिखाओ। और ये वाला जी ये मुख्तलिफ ये देखो ये वक्त है कि मुर्गो 500 के इतना नहीं मरचा हमेशा नहीं पीछे नहीं। ये वाला भी ये हाथ के जी हाथ के ये ये हाथ सारा हाथ के का कितने 3 पीस दुपट्टा सलवार और कमीज जी 2065 चार दाने के 2065 काली वाले फाइनल 6500। और ब्लैक ब्लैक बची नहीं नहीं है और चादर है बलूची चादर दिखाओ ब्लैक नहीं नहीं चादर नहीं अचार के साथ हुक्का। तो ये हुक्का जो है यहाँ की सखावत है, यहाँ के लोग जो है वो हुक्का पीते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, है ना, हुक्के पीते। ये हुक्का ही है? कितने का है ये? 200 रुपए का है। फ्लेवर वाला तो नहीं होगा, ऐसे तंबाकू डलता होगा इसमें? वो वाला नहीं है। वो कितने का? ये कितने का ये वाला? ये 250। अच्छा 300 वाला भी है। जड़ी बूटी है किस चीज के लिए होती है? ये मरीजों के लिए होते हैं। मरीज मैं तो मरीज एक मिनट रुके चूड़ियाँ बेच रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे चूड़ियाँ, मैंने काफ़ी कलरफुल सी चूड़ियाँ ये आप देखें, तो मुझे ये वाली चूड़ी पसंद आ रही है, मैं ये पहनती हूँ, कैसा ख्याल है? ठीक है चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं यहाँ से, मज़े की चूड़ियाँ हैं। और कपड़े बहुत महंगे हैं 20,000, क्योंकि जो मशीनी एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो तो 2-2.5 हज़ार के मिल रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल जो होते हैं ना वो वैसे तो 10,000 के हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा यू नो डबल प्राइस बता देते, अगर आप लेने लगें तो फिर वो 10,000-8,000 तक आपको मिल जाता है। सो ये था जन्नत बाज़ार। और तो अब हम वापस जा रहे हैं बाज़ार से।